जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। डेली हम चिकन और मटन से बिरयानी तो बनाते ही हैं, तो क्यों ना आज चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाई जाए। वैसे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कीमे के कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 किलो बोनलेस चिकन लिया था, उसे हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर उसे मिक्सी जार में पीस कर घर पर ही इसका कीमा बनाया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इन प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और प्याज को काटने के बाद हमें हाथों से निचोड़ कर इसका सारा पानी अच्छे से निकाल देना है, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसी के साथ हमें इसमें लहसुन, छोटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। तो 1.5 टीस्पून छोटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून दही। दही हम यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। तो हमने बेसन को मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक तवे पर रोस्ट कर लिया। तकरीबन 5 टेबलस्पून बेसन है ये। इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून तेल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। तो हमने यहाँ पर 2 अंडों को तोड़ कर ले लिया है। यहाँ पर अंडे और बेसन एक बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे कीमे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया, और अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसके सेंटर में हमें बिल्कुल गर्म कोयला रख देना है, और कोयले पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद तुरंत ही हम इसे कवर कर देंगे, और इसी तरह हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुकी है, और अब हम इसके सेंटर में से कोयला निकाल लेंगे। और अब इसमें से कोफ्ते बनाने के लिए हम हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इसे पहले हमें फिर से मिला लेना है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह इसे कोफ्ते का शेप दे देना है। हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी बड़ी साइज़ के या फिर छोटी साइज़ के कोफ्ते भी बना सकते हैं। और इसी तरह हमें सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करते जाएंगे। तो एक बार में पैन में जितने कोफ्ते आएंगे उतने हमने ऐड कर देने हैं, और इनको फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो जैसे ही ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो भुना हुआ बेसन और अंडे ऐड किए हैं वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि फ्राई करने के वक्त हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और ना ही टूटे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे, और इसी तरह हमें सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई कर लेने हैं, और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो कोफ्ते हमने बनाकर फ्राई करके रख लिए हैं, और अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 लीटर पानी लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च और 1 बादियान का फूल। इसी के साथ हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। तो नमक की क्वांटिटी हमें यहाँ पर ज़्यादा ही रखनी है, तो हमने 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इस पानी को उबलने देंगे। तो जैसे ही पानी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाता है तब हमें इसमें ऐड कर देने हैं सोक किए हुए बासमती चावल। तो हमने 1.25 किलो यानी कि 1 किलो 250 ग्राम जितने बासमती चावल लिए, और इनको पानी से अच्छी तरह धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और चावल ऐड करने के बाद हम इसे एक बार चला लेंगे।
और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन चावल को तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये 80% कुक ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर 20 से 22 मिनट तक बॉईल करने के बाद अब देखेंगे कि चावल 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और छन्नी से छान कर चावल का ज़्यादा का पानी निकाल देंगे। और अब हमें बिरयानी के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पर एक पैन में 250 ml तेल लिया है और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। तो हमने यहाँ पर लिया है एक बादियान का फूल, 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग और 2 तेज पत्ते। कुछ सेकेंड्स के लिए हम इन खड़े मसालों को तेल में सोटे कर लेंगे और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हमें इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। तो हमने 4 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इनको तेल में कुछ देर तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे हमें इसमें ऐड कर देना है 2 टीस्पून छोटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसे हम टमाटर के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। और यहाँ पर हमने बिरयानी में ऐड करने के लिए प्याज को पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। तो हमने 10 मीडियम साइज़ की प्याज ली और इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। आज हम इस बिरयानी में प्याज को पीस कर ऐड करेंगे। तो प्याज जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हमें इसे मिक्सी जार में बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। तो अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हमने इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक। हमने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का 2 टीस्पून जितना बिरयानी मसाला ऐड कर दें। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को भूनते वक्त हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि भुनाई करते वक्त हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाए। तो पानी ऐड करने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लगे और हमने जो टमाटर ऐड किए हैं वो टमाटर पूरी तरह गल ना जाए। तो लो फ्लेम पर इन मसालों को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है और अब देखेंगे कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो गई है और इसमें से तेल रिलीज़ होने लगा है। और इस स्टेज पर हमने जो बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करके रखी हुई है वो ऐड कर देनी है। तो प्याज को हमने पहले गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया और फिर जब ये ठंडी हो गई तो हमने इसे मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल दरदरा पीसा है, यानी कि इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाया, इसे हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है। वैसे आप प्याज को इस स्टेज पर बगैर पीसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इन मसालों को प्याज के साथ भी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लिया है और अभी हमें इसे अच्छे से चला लेना है और इसमें दही ऐड कर देंगे। तो हमने 250 ग्राम दही ली है। दही ऐड करने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी जो दही है वो फट ना जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने दही के साथ इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है और इस स्टेज पर हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसी के साथ हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। तो तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करके इसे फिर से मिला लेंगे और इन मसालों के साथ कोफ्तों को कुछ देर तक और पकाएंगे, क्योंकि कोफ्तों को हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है तो मसालों के साथ हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया। लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हमें बिरयानी को दम करने की तैयारी कर लेनी है। तो इस तरह से हमें एक मोटे तले का बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चावल की 1/2 क्वांटिटी। चावल की 1/2 क्वांटिटी ऐड करने के बाद इस तरह से हमें इसकी एक लेयर बना लेनी है।
तो चावल की एक लेयर सेट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी का मसाला। तो मसाला हमने एक ही बार में पूरा ऐड कर दिया। हमने मसाले की सिर्फ़ एक ही लेयर लगाई है, अगर आप चाहें तो मसाले की दो लेयर भी लगा सकते हैं, और इसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो नीचे चावल की एक लेयर, फिर उसके ऊपर मसाले की लेयर, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए बाकी के चावल। तो जितने भी चावल बचे हैं वो सारे हमें इसमें ऐड कर देने हैं, और इसी तरह हमें तीसरी लेयर इन चावलों की बनानी है। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर देना है। इसे हमने सारी लेयर सेट कर ली, और अब हमें इसमें ऐड कर देना है दूध। तो तकरीबन आधा कप दूध लिया है हमने, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है फूड कलर। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है येलो फूड कलर, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर। आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी फूड कलर ले सकते हैं। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना केवड़ा वाटर। आप यहाँ पर केवड़ा वाटर की जगह रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने मोटे तले का बर्तन लिया है तो हम इसे डायरेक्ट चूल्हे पर दम करेंगे, हमने नीचे तवा नहीं रखा। तो दम करने से पहले हमें सबसे पहले इसे अच्छे से कपड़े से कवर कर देना है। कपड़े से कवर करने के बाद हम इसे ढक देंगे, और इसका जो ढक्कन है उस पर हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है कि इसमें से किसी भी जगह से स्टीम बाहर ना आए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और शुरुआत की 2 मिनट हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, और 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हमें बिरयानी को 25 से 30 मिनट के लिए दम कर लेना है, और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चिकन और मटन की बिरयानी तो रेगुलर बनाते ही हैं, तो क्यों ना एक बार इस कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी को ट्राई की जाए। तो रेसिपी ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।